नमस्कार भक्तों, श्रावणी मेले 2021 की बहुत ही बड़ी खबर है। देवघर और बिहार से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इस मेले को लेकर। 329 साल से लग रहे इस मेले पर भी संकट के बादल। तो और क्या क्या हुआ है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख ले। सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करके बताइए आप ये वीडियो किस राज्य शहर से देख रहे हैं, और आप अगर कांवड़ यात्रा होती हुई है तो किस शहर राज्य में ले जाना चाहते हैं कांवड़ यात्रा। तो अगर आप भोले के वक्त हैं तो साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि कांवड़ यात्रा 2021 की सारी जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। बिहार के सुल्तान गंज से जल लेकर कांवड़िया देवघर पहुंचकर देवघर के बाबा धाम स्थित शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। देवघर श्रावणी मेले के साथ साथ रांची के जगन्नाथपुरम में 329 साल से लगातार आयोजित होने वाले रथ मेले पर भी संकट के बादल गहराने लगे हैं। दोनों धार्मिक आयोजनों पर सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया है। श्रावणी मेला में 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु हर दिन बाबा के शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। दुनिया भर के श्रद्धालु भक्तों का पूरे सावन महीने में जमावड़ा रहता है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री के साथ साथ आपदा सचिव का बयान आ रहा है, ऐसे में श्रावणी मेले के आयोजन टलने की पूरी संभावना है। आपदा प्रबंधन के सचिव ने भी साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने पहले ही धार्मिक आयोजनों और समागम पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक श्रावणी मेले को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है, क्योंकि अभी भी रद्द करने का भी फैसला नहीं लिया गया है। श्रावणी मेले को लेकर 1.5 माह पहले से ही पूरी तैयारी शुरू हो जाती थी। टेंडर, रूट चार्ज, शिविर और बैरिकेडिंग करने का काम 1 महीने पहले ही शुरू हो जाता था, लेकिन अभी भी ये काम शुरू नहीं हुआ है। हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों को प्रतिनियुक्त किया जाता है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के खौफ से ऐसी कोई तैयारी अब शुरू नहीं हुई है। ऐसे में श्रावणी मेले और रथ मेले का आयोजन रद्द करने की औपचारिकता ही बाकी रह गई है। तो भक्तों, इस साल श्रावणी मेला होगा या नहीं होगा, सरकार का क्या फैसला आता है, इसके ऊपर हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत ही अपडेट कर देंगे। तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी को इसके बारे में सही जानकारी हो सके और अपने इस चैनल के साथ बने रहें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आगे एक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड गुड बाय।